हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। भारत चीन बॉर्डर विवाद पर द्विपक्षीय वार्ता के बीच चीनी मीडिया में पसरा सन्नाटा, लगता है बड़ी जोर की पड़ी है। चीनी लोग कोरियन बन के दक्षिण कोरियाई सोशल मीडिया पर बकवास कर रहे थे, पकड़े गए तो लोगों ने जमकर धोया। मास्क डिप्लोमेसी रेगुलेटर, डिप्लोमेसी शक्ति प्रदर्शन, चीन के सारे पैतरे फैल हुए, अब रोया गरीबी का रोना। आइए देखते हैं इन सभी तमाम खबरों को। LAC पर एक महीना की तनातनी के अब थोड़ी शांति की आशा दिख रही है। दोनों पक्षों ने तनाव को कम करने हेतु कॉप्स कमांडर यानी लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पर मीटिंग का आयोजन किया। 7 घंटे तक चली एक लंबी मीटिंग पर भारत की मीडिया ने काफी तगड़ी नजर रखी। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अप्रैल में जैसी स्थिति बॉर्डर पर थी वैसी ही स्थिति होनी चाहिए। इसके अलावा भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बिल्कुल नहीं रुकेगा। परंतु चीनी मीडिया काफी खामोश बैठी है और पहले की शक्ति भारत को 1962 दोहराने की धमकियां नहीं दे रही है। यहां तक कि चीनी मीडिया ने दोनों सेनाओं के बीच हुई बैठक पर भी कोई प्रकाश नहीं डाला। अब तक चीन में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले अंग्रेजी समाचार पत्र चाइना डेली और चीन सरकार का मुख पत्र माने जाने वाले पीपुल्स डेली भी इस विषय पर काफी मौन रहे हैं। अब तक उन्होंने इस विषय पर केवल एक संपादकीय प्रकाशित किया है। यहाँ तक कि चीन के आधिकारिक टीवी न्यूज नेटवर्क TGTN ने भी इस स्टैंड ऑफ को कवर नहीं किया है। अकेले ग्लोबल टाइम्स ने ही पूरे विषय को कवर करने की जहमत उठाई है, भले ही उसने एक भी संपादकीय ना डाला, पर अब तक 6 ओपिनियन लेख प्रकाशित किया है जिसमें भारत के 6 निश्चय पर चीन की बौखलाहट साफ जाहिर होती है। उदाहरण के लिए ग्लोबल टाइम्स ने शुक्रवार को अपनी कुंडा का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए लिखा, चीन भारत को लेकर अपनी मित्रता पर हमेशा मुखर रहा है और भारत को अमेरिका द्वारा उल्लू बनाए जाने के बजाय इस मित्रता को आगे बढ़ाना चाहिए। हम अमेरिका से नहीं डरते तो भले हम अमेरिका के कंधे पर बैठकर किसी देश की हेकड़ी कैसे सह सकते हैं। मित्रता, पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ करना अगर मित्रता है तो ऐसी मित्रता से कोई मित्रता ना होना ही भला है। खैर, ग्लोबल टाइम्स ने भी कहा है कि भारत को चीन के साथ अपने संबंध बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय शांति की ओर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा भारतीय महाद्वीप में शांति कभी स्थापित नहीं हो पाएगी। पर कॉप्स कमांडर स्तर की बैठक के बाद ग्लोबल टाइम्स भी मौन पड़ गया। अब उसने एक अजीबोगरीब वीडियो प्रकाशित किया जिसमें उसने बताया कई हजार सैनिकों की केंद्रीय चीन से नॉर्थ वेस्टर्न चीन भेजा गया है जब भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति व्याप्त है। यह वीडियो चीन की पोल खुलने का भी काम करता है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के यह सदस्य अभी भी फेस मास्क पहने हुए हैं जबकि कई सैनिक रेल और रोड के माध्यम से बॉर्डर जा रहे हैं, जबकि चीन का दावा है कि वह वुहान से मुक्त हो चुका है। ग्लोबल टाइम्स इस तरह भारत को फिर से 1962 दोहराने की धमकी देना चाहती है, जबकि सच्चाई यह है कि इस समय युद्ध करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है, क्योंकि भारतीय सेना न केवल तैयार खड़ी है बल्कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में भी सक्षम है। उधर बीजिंग चाहता है कि पूरे प्रकरण की भनक भी चीन की जनता को ना लगे। अभी हाल ही में वीबो नामक चीनी सोशल मीडिया ने चाइना इंडिया बॉर्डर कॉन्फ्रेंसेशन हैशटैग पर ही कैंची चला दी जिस पर 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज आए थे। चीन का मीडिया इसलिए भी मौन हो सकती है क्योंकि उसकी पोल खोलने में भारतीय सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजिंग ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहेगा कि भारत ने बिना एक गोली चलाए उसे पटक पटक कर दिया है। ऐसे ही बीजिंग और उसके पालतू कुत्ते पाकिस्तान में कोई विशेष अंतर नहीं दिखता है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है तो वहीं साथ ही साथ दुनिया को चीन के आक्रामक रवैये को झेलना पड़ रहा है। हालांकि एक जंग ऐसी है जिस पर दुनिया का ध्यान अब तक नहीं गया है। पिछले कुछ समय से ड्रैगन सोशल मीडिया पर जमकर अपने बोट्स के माध्यम से दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में भी ऐसा ही देखने को मिला जहाँ चीनी बोट्स ने विवादित पोस्टर्स डालकर दक्षिण कोरिया के यूजर्स में फूट डालने की कोशिश की। हालांकि दक्षिण कोरिया के यूजर्स ने इन चीनी बोट्स को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब दक्षिण कोरिया के एक सांसद ने चीनी बोट्स को काबू में करने के लिए कड़े सोशल मीडिया कानून बनाने की बात कही है। दरअसल दक्षिण कोरिया में इस साल फरवरी में ही सोशल मीडिया पर चीनी बोट्स ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। तब तक चीनी मूल के दक्षिण कोरियाई नागरिक ने सोशल मीडिया पर यह खुलासा किया था कि चीन के लोग दक्षिण कोरिया की सोशल मीडिया पर कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके
बात देखते ही देखते वह पोस्ट वायरल हो गई थी। उसके बाद इस पोस्ट को चीनी बोट्स ने हाईजेक करने की कोशिश की। ये चीनी बोट्स अपने आप को चीनी नागरिक बताकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करने लगे। हालांकि दक्षिण कोरिया के नागरिकों को उन पर शक हुआ तो उन्होंने इन चीनी बोट्स के साथ ही खेल कर दिया। दक्षिण कोरिया के यूजर्स ने इन चीनी बोट्स के साथ फ्री तिब्बत और फ्री हांगकांग से जुड़ी वेबसाइट के लिंक शेयर करना शुरू कर दिया। जब उन चीनी बोट्स ने इन वेबसाइट पर क्लिक किया तो ये बोट्स बड़ी संख्या में IMN इंडिविजुअल कमेंट करने लगे। दक्षिण कोरिया में IMN इंडिविजुअल लिखना बेतुका माना जाता है और का कोई मतलब नहीं बनता। यह पहला संकेत था कि ये लोग दक्षिण कोरियाई नहीं है बल्कि ये लोग ऐसा झूठ दावा करते रहे हैं। ये चीनी बोट्स IMN इंडिविजुअल वाक्य को संभवतः इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को ये संदेश देना चाहते होंगे कि वे उन प्रतिबंध वेबसाइट पर गलती से चले गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उपयुक्त वेबसाइट चीन से प्रतिबद्ध है। इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है कि चीन ने पिछले 2 दशकों में बड़ी ही तेजी से विकास किया है और अपने लोगों को गरीबी के अभिशाप से मुक्त किया है। चीन ने वर्ष 2020 तक अपने यहाँ गरीबी को पूरी तरह मिटाने का संकल्प भी ले रखा है और चीनी सरकार ने हाल ही में यह दावा किया था कि कोरोना के बावजूद वे अपने इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। क्योंकि क्या चीन की ये दावे वाकई विश्वसनीय है? क्या चीन असल में इतना अमीर है या फिर वह दुनिया के सामने जानबूझकर अमीर होने का दिखावा करता है? यह सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हाल ही में चीन के प्रीमियर ली केकियांग ने यह दावा किया है कि कोरोना ने चीनी लोगों के जीवन को मुश्किल कर दिया है क्योंकि अभी भी चीन में 60 करोड़ लोगों की औसत मासिक आय 1000 यूनानी या कहिए लगभग 10,000 भारतीय रुपये से कम है। प्रीमियर ली केकियांग का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है और चीन से हर्जाना वसूलने की मांग उठाई जा रही है। ऐसे में ली के इस बयान के बाद सवाल बनता है कि क्या चीन ने इस संभावित प्रतिबंधों से बचने के लिए अपना पॉवर्टी कार्ड निकाला है। बता दें कि ली ने हाल ही में सालाना संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि चीन की औसत प्रति आय 30,000 यूनान यानी 4,193 डॉलर है। हालांकि इसमें से 60 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिसकी मासिक आय महज 1,000 यूनान यानी करीब 144 डॉलर ही है। यह आय चीन के किसी शहर में एक कमरे के किराए के लिए भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस महामारी के प्रभाव के कारण कई परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। चीन अब पूरी तरह से गरीबों को दूर करने के मुश्किल काम की चुनौती से जूझ रहा है। इस महामारी से पहले चीन में करीब 50 लाख लोग आधिकारिक गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे थे। इस महामारी के असर से अब कई लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन ने पिछले 2 दशकों में बेतहाशा दौलत अर्जित की है। हालांकि इसके साथ ही चीन में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई भी गहरी गई है। वर्ष 2018 की हंजुओ इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में टॉप 100 अमीरों के पास उतनी ही संपत्ति है जितनी कि चीन के 42 करोड़ लोगों के पास। यह अपने आप में बयां करता है कि चीन में गांवों में रहने वाली आबादी का क्या हाल है। चीन की यह अमीरी सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित है।